एनडीए में जो हमारे कोटे की 13 सीटें मिली थी उनमें हम 8 सीटों पर जीते हैं, और सभी माननीय विधान पार्षदों का कल शपथ ग्रहण हुआ, और आज भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए सभी विधान पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बिहार की जनता और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें देने का कार्य बिहार की जनता ने किया था, उसी प्रकार इस चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधियों ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी सम्मानित नए विधान पार्षद जनप्रतिनिधियों की उम्मीद में खरा उतरेंगे, और पंचायती राज को लेकर के जन पंचायत त्रिस्तरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को विधान परिषद में पुरजोर ढंग से उठाएंगे। यह भी एक सच है कि अगर 50% आरक्षण मिला तो यह इसी एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिला, और 2014 के बाद से जहां एक पंचायत में एक मुखिया को 5 से 7-8 लाख रुपए मिलते थे, आज एक एक पंचायत में जनप्रतिनिधियों को 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच की राशि दी जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राशि को लगभग 20 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया, पहले से कांग्रेस के राज से 20 गुना ज़्यादा राशि देने का प्रावधान किया। मतदान चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव से पहले हमारे मित्र लोग जश्न मनाते हैं, चुनाव के पहले ही वो लोग जश्न मना रहे हैं, चुनाव के बाद हम ही मनाएंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही जातीय जनगणना जो है केंद्र सर बिहार सरकार के जो कार्य हैं बिहार सरकार के ऊपर निर्णय होगा।